हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका कुकिंग विद आयुषी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोहू मछली के अंडे का पकौड़ा। तो ये देखिए, अंडा हमने ले लिया है और ये देखिए 1 कप मसूरी का दाल है, इसको हमने पानी में भिगो दिया है फूलने के लिए। आज हम मसूरी के दाल से बनाएंगे। आप लोग तो बेसन से बहुत बनाए होंगे, एक बार मसूरी के दाल से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, एक मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने प्याज कट कर लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा है और 1 पिंच अदरक है और छोटी सी लहसुन है, उसको हमने छुड़ा लिया है। ये देखिए, अब ये सबका पेस्ट बना लेंगे, लहसुन अदरक का और जीरा का, और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, मसूरी के दाल के साथ साथ मसाला भी पीस लेंगे। अब चलिए ये सब का हम पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलिए इसको छान लेते हैं। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें रख देंगे, थोड़ा पतला पतला करके रखेंगे, ज़्यादा मोटा रखेंगे तो पकेगा नहीं, और ध्यान से, उड़ता बहुत है। ऐसे ही सबको रख लेंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम हम लो कर दिए हैं और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, एक तरफ से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। अभी दूसरी तरफ से भी इसको ब्राउन होने देंगे। ये देखिए, पक गया है अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे, जलने नहीं देंगे। अब ऐसे ही सबको हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम मछली का पकौड़ा, मछली के अंडे का पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। तो इसको हमने सर्व कर लिया है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।